बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने वही रेसिट का कॉन्सेप्ट से हमने ये स्टार्ट किया था कि हर रेसिट इनकम नहीं होती, एक रेसिट जो है वो रेवेन्यू रेसिट है जिसको हम इनकम मानते हैं बाय डिफॉल्ट। एक रेसिट कौन सी है बेटा? कैपिटल रेसिट, जिसको बाय डिफॉल्ट हम इनकम नहीं मानते। लॉ चाहे तो कैपिटल रेसिट को भी इनकम बोल दे और लॉ चाहे तो रेवेन्यू रेसिट को भी इनकम की लिस्ट से निकाल दे, एग्जेम्प्ट कर दे। ये बुनियादी हमने बातें सीखी थी और फिर हमने पहचान सीखी थी किस चीज की कि कौन सी रेसिट को रेवेन्यू रेसिट बोलना, वो रेसिट जो विद एक्टिविटी हो और थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रेसिट, या वो रेसिट जिस पर आपका लीगल राइट क्या होता हो, एस्टेब्लिश होता हो अदर देन शरिया राइट, वो भी आपकी क्या है, रेवेन्यू रेसिट ही। और उसके अगेंस्ट कैपिटल रेसिट वो रेसिट है जो विदाउट एक्टिविटी है, वॉलेंटरी रेसिट है, या अगर विद एक्टिविटी है तो विदाउट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन थ्रू नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। ये हमने इसकी पहचान सीखी थी, एग्जांपल्स हमने बहुत सारी इसके दरमियान कवर की थी। हम आगे गए थे और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ी बेटा, डेफिनेशन किस चीज की, इनकम की। तो इनकम की डेफिनेशन क्या है बेटा, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, हर वो अमाउंट जिस जो बाय डिफॉल्ट इनकम है जिस पे टैक्स चार्ज होना चाहिए, क्या कहेंगे उसको हम, रेवेन्यू रेसिट। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू रिडक्शन ऑफ टैक्स, हर वो अमाउंट जो कि सब्जेक्ट टू रिडक्शन ऑफ टैक्स है, मतलब जो टैक्स कटने के बाद मिले। इस पर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था FTR, मैंने कहा ये अभी आपके स्कोप में नहीं आया लेकिन इसका नाम जरूर बताया था, FTR फाइनल टैक्स रिजीम। इसका और नाम भी है माजी में PTR प्रेजम्प्टिव टैक्स रिजीम, लेकिन अभी जदीद लॉ के अंदर इसको क्या बोलते हैं, फाइनल टैक्स रिजीम, ठीक है, FTR। अब इसकी भी हम कैटेगरी समझेंगे आगे जाकर। फिर उसके बाद एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम जिसको हम इनकम बोलते हैं उसको भी इनकम मान लो। तो कोई बताएगा आप में से, मैंने यहां पर क्या एग्जाम्पल दी थी, इस पर मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दी थी कि अमाउंट को इनकम मान ले, जिस इनकम को लॉ बोले आप इनकम मान ले, क्या एग्जांपल अगेन लोन, मैंने कहा था सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 अगर याद हो आपको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का एक सेक्शन है, उसमें कहा गया अगर एक शख्स दूसरे शख्स से नॉट बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या लेता है, लोन लेता है, अदरवाइज देन थ्रू बैंकिंग चैनल यानी कैश फॉर्म में लेता है, तो फिर रेसिपिएंट के लिए वो लोन भी इनकम माना जाएगा, इनकम ट्रीट किया जाएगा, हालांकि लोन को कोई भी इनकम नहीं मानता, लॉ चाहे तो इनकम मान ले, ठीक है जी। यहां तक सारी बात क्लियर है बेटा सब लोगों को? ओके जी। अच्छा उसके बाद बेटा अगला जो हिस्सा है हमारे पास, इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल और दी लास्ट क्लास में, रिकॉल करें। हाँ, अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपनी ही कंपनी से क्या ले, लोन ले, तो टू द एक्सटेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्स। अब देखो कितना कनेक्शन है उस पोर्शन का इससे, कि अगर हमें हमारे पास कंपनी की अकाउंटिंग की अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो क्या हम टैक्स भी समझ पा रहे होंगे, नहीं। तो कंपनी की जो इक्विटी सेक्शन है, रिजर्व सेक्शन है, जो कैपिटल के अलावा है, उस हद तक उसको जो भी लोन अमाउंट का अमाउंट, लोन का अमाउंट क्या होगा, रिसीव होगा, उस अमाउंट को हम क्या ट्रीट करेंगे, डिविडेंड। हालांकि नियत किस चीज की है, लोन की, लेकिन टैक्स लॉ इस ट्रांजैक्शन को शक की निगाह से देख रहा है, वो बोल रहा है हमें डाउट है कि कहीं ये लोन के नाम से टैक्स बचाने के चक्कर में डिविडेंड ना लिया जा रहा हो, तवज्जो दरकार है बेटा आप सबकी, तो उम्मीद है आपको ये बात याद होगी। चले फिर मैंने इस पे एक और एग्जाम्पल दी थी, इस पे मैंने आपको, मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल दी है बेटा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, याद करे एनी अमाउंट ट्रीटेड इनकम की एक और एग्जाम्पल किया थी, मैंने कहा था अगर एक पेंटिंग कौन बेचता है, आर्ट गैलरी वाला, तो आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग किस कैपेसिटी में पड़ी हुई है, इन्वेंट्री की कैपेसिटी में,
तो उसको बेचकर वो जो इनकम कमाएगा वो उसकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, वो उसकी रेवेन्यू रिसेट है, और रेवेन्यू रिसेट जो है वो चार्जेबल टू टैक्स है। लेकिन वही पेंटिंग घर पे ले आए आप, तो अब वो इन्वेंट्री है या पर्सनल एसेट है? अब किसी को वो पेंटिंग बहुत पसंद आ गई, उसने उसकी अच्छी कीमत लगा दी, आपने उसको बेच दिया, आपको क्या हो गया? बेचकर गेन हो गया। ये आपकी कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। क्या ये गेन टैक्स होना चाहिए? जवाब है नो सर, ये कैपिटल है, लेकिन लॉ चाहे तो इसको इनकम ट्रीट कर सकता है। यस सर, गुंजाइश है। अगर लॉ में, अब मैं आपका आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज में इजाफा कर रहा हूं सर, सेक्शन 38, किसका सेक्शन, कहां से पढ़ रहे हैं सर? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन, इससे पहले क्या पढ़ा? सेक्शन 39। एक सेक्शन पीछे आ गया हूं मैं, सेक्शन 38 सब सेक्शन 5, सेक्शन 38 सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में सर कुछ ऐसे पर्सनल एसेट्स मेंशन हैं कि अगर उनको बेचकर गेन कमाया जाए तो वो नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी तो है, लेकिन लॉ ने उसको स्पेसिफिकली सर क्या ट्रीट किया है? इनकम डिविडेंड, तो वो कैसे लगता? लॉ ने उसको डीम्ड इनकम, जबरदस्त, लॉ ने उसको क्या ट्रीट किया है? डीम इनकम। सर उन उन पर्सनल एसेट में एक पर्सनल एसेट पेंटिंग भी है, उन पर्सनल एसेट में सर मैंने अपनी पर्सनल घड़ी बेच दी, जवाब दे, मैंने अपना पर्सनल मोबाइल फोन बेच दिया, तो पर्सनल आइटम बेचने से जो गेन होगा क्या वो आमतौर पे इनकम है? वो कैपिटल रिसेट है। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर मैं कोई भी पर्सनल आइटम अब बेचूंगा, मैं लॉ में ग्रो कर रहा हूं, मुझे लॉ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो अब मुझे क्या करना होगा? अगर मैंने कोई पर्सनल एसेट बेचा है तो मुझे डाउट है इनकम है या, तो जरा मुझे सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में जाके झांकना है कि क्या जो चीज मैंने बेची है वो उधर मेंशन है, आवाज नहीं है, वो उधर मेंशन है या नहीं है? अगर है तो वो गेन मेरे लिए इनकम है, और अगर वो एसेट वहां मेंशन नहीं है तो फिर वो गेन मेरे लिए इनकम नहीं है। तो अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे पहली एग्जाम्पल मैंने क्या दी आपको, हमने कौन सी पेंटिंग बेची? घर की दीवार पे लगी हुई पर्सनल एसेट, उस पे क्या हो गया हमें? गेन हो गया, तो हम गए सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में, वहां हमें क्या देखने को मिला? पेंटिंग का नाम। इसका मतलब पेंटिंग बेचकर जो गेन हुआ उसको लॉ ने क्या मान लिया? डीम इनकम। तो कैपिटल एसेट होने के बाद भी उसको इनकम मानना पड़ेगा, बात समझ लग रही है बेटा? हमने बेची पर्सनल कार, हमने बेची पर्सनल कार, खैबर कार, ऐसे दिल में मत देना, एग्जाम्पल याद, तुम्हारी वजह से क्या होगा बच्चों को एग्जाम्पल याद रह जाएगी, उसका सवाब तुम्हें अलग मिलेगा, है ना? अच्छा तुम ही बाहर जा रहे हो, अब एग्जाम्पल का क्या करूंगा मैं? अच्छा तो पर्सनल कार बेची आपने, तो पर्सनल कार जब आपने बेची तो उस पर आपको क्या हो गया? गेन हो गया। ये जो खैबर गाड़ी की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसकी अगर उस जमाने की इनवॉइस निकाली जाए जिस जमाने में ये 0 मीटर लॉन्च हुई थी, तो इसकी इनवॉइस आपको 2,85,000, 3,30,000 इतनी मिलेगी। मतलब 0 मीटर गाड़ी ये जब कंपनी ने लॉन्च की थी तो इसकी इनवॉइस पे कितनी रकम मिली थी? तो अगर आज किसी शख्स के पास बड़ी अच्छी कंडीशन में ये खड़ी हुई है गाड़ी, तो उसकी कितने की खरीदी हुई है? 2,50,000 रुपए की, उस जमाने की 20-25 साल पहले की, ठीक है ना? कितने की खरीदी हुई है? 3,30,000 की। तो अगर वो आज उसको कितने का बेच देता है बेटा? 3.5 लाख का, 4 लाख का, तो 20,000 से लेकर 70,000 रुपए का उसको गेन हुआ कि नहीं हुआ? अब वो जानना चाहता है क्या इस गेन पे मुझे टैक्स देना है या नहीं देना, तो उसको क्या कहां जाके देखना होगा? सेक्शन 38 के वहां पर पर्सनल कार बतौर एसेट मेंशन है, अगर है तो इनकम मानना पड़ेगा, नहीं है तो इनकम नहीं मानना पड़ेगा, टैक्स
टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो खबर यह है कि गाड़ियां जो है, कार जो है, वो सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 में आज तक तो मौजूद नहीं है। कल, अच्छा अब हम लॉ का एक और अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं, जरा एक और अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं, आप जवाब भी देगा। सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 के अंदर किसी उस लिस्ट में, जो लिस्ट अभी आपने देखी नहीं है, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपको जब वो चैप्टर नंबर 8 हमारा आएगा, वहां पढ़ेंगे इसको। तो इस लिस्ट की अगर आपके अंदर वाकई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो इस लिस्ट की जरा लॉ की अंडरस्टैंडिंग समझिए जरा। इस लिस्ट में किसी पर्सनल एसेट के नाम लिखने का इफेक्ट क्या होगा? उसके डिस्पोजल पर जो गेन होगा वो डीम इनकम माना जाएगा। और अगर इस लिस्ट से किसी एसेट को रिमूव कर दिया जाए, कल तक तो था, आज नहीं है, फाइनेंस एक्ट आया, क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। भाई फाज, फर्ज कर ले हमारे मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है जी। अब फाज के पास जो ना बड़ी पुरानी पुरानी पेंटिंग रखी हुई, फाज ने इस टैक्स ईयर में वो तमाम पेंटिंग क्या करनी है? बेचनी है और गेन कमाना है। इसने बजट दिया, बजट में से 38 सबसेक्शन 5 में से पेंटिंग लफ्ज मिटा दिया। हाँ, तो इस टैक्स ईयर में, इस साल में पेंटिंग उस लिस्ट में मौजूद ही, तो अगर पेंटिंग नहीं मौजूद तो अब क्या होगा बताओ? टैक्स नहीं देना होगा। तो फाज ने इस साल में जो जो पेंटिंग बेचनी सारी बेच दी, टैक्स से बच गया, अगले साल का बजट दिया, पेंटिंग दोबारा लगा दिया। कुछ समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो सेक्शन 38 में से, वो लिस्ट में से हटने से, उस पर्सनल एसेट पे होने वाला गेन टैक्स होने से बच गया, और वापस डालने से वापस शामिल हो गया। अब इनकी देखा देखी, उन्होंने कहा यार इसने तो बेच दिया, इसकी जो इनकम क्या होगा एग्जम्प्ट होगा, उन्होंने कहा मैं भी बेच देता हूँ। लेकिन उसने बेची अगले साल, फास ने अगले साल नाम पेंडिंग को दोबारा ऐड कर दिया था। भाई क्या करें, समझे बात या नहीं? तो ऐसे इन रियलिटी वाकयात हो चुके हैं हमारे मुल्क में, ऐसा होता है। हमारे वजीर आजम साहब, उनके बेटे को बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करनी थी, बहुत लग्जरी किस्म की, तो एकदम से ड्यूटी और टैक्सेस क्या हो गए, नीचे आ गए। आवाम खुश हो गई यार, मुल्क मतलब ड्यूटी और टैक्सेस कम हो गए गाड़ी पर, जापानीज गाड़ियों पर, महंगी गाड़ियों पर। अब लोगों ने क्या किया, गाड़ियों के ऑर्डर दिए। अब ये ऑर्डर तो अभी गए ना, उनका ऑर्डर तो पहले क्या हुआ था, तो उनके बेटे की गाड़ी आई पोर्ट से, क्लियर हुई, जैसे क्लियर हुई ड्यूटी टैक्सेस वापस लग गए, ठीक है ना। तो मतलब जब गाड़ी उनकी पहुंची पोर्ट पर, तो ड्यूटी टैक्सेस वही के वही थे, और गाड़ियों के ऑर्डर भी जा चुके थे। अब दो बातें होती हैं, बाद जवा हालात ये होती है कि अगर आपने बाहर से 20 लाख की गाड़ी मंगवाई है, उस पर 60 लाख आपने ड्यूटी और टैक्सेस देने हैं, तो आप बोलेंगे छोड़ो यार मैं इसको, तो आप ऐसी चीजें पोर्ट पे ही छोड़ देते हैं। फिर उनका क्या होता है, ऑक्शन होता है, ऑक्शन करने वाले को होता है बेनिफिट, क्योंकि ऑक्शन में ड्यूटीज और टैक्सेस कम लगते हैं। ये भी लोग करते हैं, यानी अपनी चीज, पता कौन कौन से गेम खेले जाते हैं आपको भी आइडिया नहीं, अपनी चीज क्लियर नहीं करवाई, फिर क्या हुआ कोई और भी क्लियर नहीं करवा रहा, अब क्या होगा पोर्ट पे उसका क्या होगा, ऑक्शन होगा, ऑक्शन में अपने बंदा बैठा दिया। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो ऐसे ऐसे कमालात होते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद है एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम समझ में आ गया होगा। जिस जिस अमाउंट को लॉ क्या बोल दे उसको इनकम मानना पड़ेगा। बहस जिद चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, ओके। और उसके बाद लॉ चाहे तो इनकम के लॉस को भी, इसकी एग्जाम्पल बैड डेट प्रोविजन की एग्जाम्पल दी थी, और इसका एक और मायने समझाया था कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मतलब इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि यानी लॉस से मुराद क्या है, नेगेटिव इनकम। इनकम को कमाने के लिए भी आप क्या करते हैं, जेब से कुछ खर्च करते हैं, तो जो जेब में आया वो इनकम, जो जेब से गया वो एक्सपेंस लॉस। तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, नेट कर देंगे। ये सारी बातें याद होंगी आप सबको। फिर एक टर्म पढ़ी हमने किस नाम से बेटा, टोटल इनकम। तो इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड्स, सम ऑफ इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड्स, जो भी इनकम आएगी पहले आइडेंटिफाई करेंगे वो इनकम है या नहीं, अगर है तो उसको इन पांच में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करें।
तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, दोहराए बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, ठीक है जी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है जी। टैक्स होगी किस अमाउंट पर? ग्रॉस अमाउंट पर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टैक्स होगी किस पर? ग्रॉस पर या नेट पर? हम लॉ पढ़ेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस, नेट पे ही क्या होगी? टैक्स होगी। नेट मतलब कि नेट क्या मतलब? एक्सपेंसेस क्लेम करने के बाद, और एक्सपेंसेस भी वो जो लॉ हमें क्या करेगा? अलाउ करेगा। अभी यहां भी टेक्निकलिटी, यहां पे लॉ एक्सपेंसेस डिफाइन करेगा कि कौन से एक्सपेंस आपने क्लेम करना। ये बुनियादें हैं आपकी टैक्स की अंडरस्टैंडिंग की। उसके बाद कैपिटल गेन, शेयर खरीदा 100 रुपए का, बेचा 150 रुपए का, तो 150 में 100 माइनस किए कि नहीं किए? तो इनकम इस इसमें किसको इनकम दिखाया आपने? 50 रुपए को या 150 रुपए को? तो नेट हुआ कि नहीं हुआ ऑटोमेटिकली? फिर ब्रोकरेज हाउस को दिया आपने कमीशन, क्या दिया? कमीशन। तो मिसाल के तौर पे आपने पर शेयर कमीशन दिया 150 रुपया, ठीक है जी। और आपने परचेस प्राइस करते हुए कमीशन दिया था 1 रुपया, तो टोटल कमीशन पर शेयर कितना हुआ? 2.5 रुपया। तो अब इसका मतलब कि आप इस 50 रुपए के गेन में से 2.5 रुपए और माइनस कर दें, यानी आप गेन कितना दिखाएं? 47.5। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? अच्छा जी, उसके बाद इनकम फ्रॉम, इसकी एक डेफिनेशन है, जो इनकम यहां 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 और यहां समझ में ना आए वो यहां आ सकती है। मतलब जो है, जो इनकम ऊपर बताए गए चार हेड्स में क्लासिफाई ना हो सके, तो वो यकीनन कहां क्लासिफाई होगी? लेकिन इस हेड को अप्लाई करने में बहुत सी अवाम प्रैक्टिकली बहुत गलतियां करती है, ठीक है जी। फिर मैंने आपको समझाया था कि सर ये पहचान कैसे होगी कि इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी है या इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो मैंने डॉक्टर की एग्जाम्पल दी थी, आपको याद हो? बोलो ना बेटा, क्या एग्जाम्पल दी थी? डॉक्टर साहब किसी हॉस्पिटल में अगर जॉब करते हैं और वहां से क्या जनरेट करते हैं? फिक्स सैलरी, और फिक्स टाइम वहां देते हैं, यस और नो? तो वो उनकी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम सैलरी। डॉक्टर साहब शाम में अपना क्लिनिक चलाते हैं, तो उस उधर से जो वो फीस चार्ज करते हैं किससे? अपने पेशेंट से। वो उनका क्या है? ग्रॉस रेवेन्यू। लेकिन अगर वो क्लिनिक रेंट पर है तो उसका रेंट उनके लिए एक्सपेंस नहीं होगा? बोले बेटा, जनरेटर जो रखा हुआ है लाइट जाने की सूरत में, उसका फ्यूल वगैरह, वो भी उनका एक्सपेंस नहीं होगा? वो जो स्टाफ रखा हुआ है पर्चियां बनाने के लिए, वो उनकी सैलरी, उनका एक्सपेंस नहीं होगी? यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? क्लिनिक वाली इनकम उनकी कौन से हेड में जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या सर बगैर क्लिनिक क्या करे? बोले बेटा, अगर वो किसी हॉस्पिटल को क्या करे? इंडिपेंडेंटली क्या दे? सर्विस दे। वो पर पेशेंट या पर ऑपरेशन क्या करे? चार्ज करे। तो ये क्या कहलाएगी? उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अच्छा जी, चले आपसे एक सवाल करता हूं, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उस वक्त। मैं जो यहां से अर्न करता हूं, कौन से हेड में जाना चाहिए? इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम? मैंने तो आपको डिस्क्लोज ही नहीं किया कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, वो मैं डिस्क्लोज करूंगा, मेरी जाहिर सी बात है। अच्छा, अब कैसा इंटरेस्ट लेवल बढ़ना शुरू हो गया खुद ब खुद, ठीक है जी। मैं बोलूंगा, अगर अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये है तो कौन से हेड में जाना चाहिए, और अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये है तो कौन से हेड में जाना चाहिए। अब असल में कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो तो आपको पता ही नहीं, ठीक है ना? तो अगर अलहमद के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टाइम वाला, परमानेंट फैकल्टी वाला है, तो फिर यहां से मिलने वाला अमाउंट जो मैं सर्विसेज दे रहा हूं
वो कौन से हेड में जाना चाहिए? इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है जी। और अगर ये वाला हिसाब नहीं है, दूसरा वाला हिसाब है पर स्टूडेंट वाला बोल सकते, जो जो के आपको किसने बताया? आपको पता ही नहीं क्या? पता इससे भी आगे कोई चीज हो? चले ओके, ठीक है जी। तो अगर ये वाला केस, ये वाला सिनेरियो है तो केस क्या बनेगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। समझ में आई बात या नहीं? अच्छा, लेकिन देखो ये पर स्टूडेंट वाला नहीं बोलो, आप गलत बोल रहे। इसमें क्या होता है? पर आर मतलब सर्विसेज दी, जितनी क्लास ली उतके पैसे मिल गए। अब कंफर्म एक केस कंफर्म बता देता हूं मैं, यहां वाला नहीं बताऊंगा, दूसरा बताता हूं। आईसीएम, आईसीएम के अंदर हम क्या है, वहां पर विजिटिंग फैकल्टी। तो मतलब क्या हुआ, वहां पर हमारा जो होता है वो, यानी एक सेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब हर सेशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रिवाइज होता है। मतलब कि भाई ये आपने सब्जेक्ट पढ़ाना है, इसके आवर्स कितने, 90 घंटे, 90 घंटे आपने अपनी मर्जी से जब दिल करे पूरे कर देने हैं, सुबह आ जाए शाम को आ जाए, टाइम टेबल सेट कर ले। आपको पर 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लेनी है, उसके हिसाब से आपको आपका दिहाड़ी वेजेस मिल जाएंगे, है ना भाई? मजदूर मजदूर मजदूरी करेगा और क्या करेगा, ठीक है ना भाई? तो अब बताइए वो जो वेजेस है वो कौन से हेड में जाने चाहिए? इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा, मुलाजमत नहीं कर रहा। मुलाजमत होती तो क्या होता, वहां अगर क्लासेस ना होती तो ना पढ़ाने की भी क्या मिलते, पैसे मिलते। जब क्लासेस नहीं होंगी तो रेवेन्यू नहीं होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना बेटा? तो ये थोड़ा समझें चीजों को, सिचुएशन को। चले क्या कहते हैं हमारे, क्या कहते हैं, कौन कहाँ गया भाई? नहीं जा रहा यार, वो चला गया है। अरे ये आया ना बिलाल, बैठा हुआ बिलाल भाई। बिलाल भाई दिन को चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रात को कॉन्सर्ट बर्पा करते हैं। कहां पर? वॉशरूम। चले 12, तो रात को क्या कहते हैं, दिन के चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होता था। एक बंदा जो है क्या कहते हैं, एक बंदे का मैंने इंटरव्यू देखा, तो दिन में वो वकील था, रात में वो डांसर था। मतलब दिन में वकालत वाली प्रोफेशनल सर्विसेज देता था, रात में अपने शौक पूरे करता था। बहरहाल तो हमारे बिलाल भाई, तो बिलाल भाई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऑब्वियसली या तो वो कहीं पर किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, ऐसा ही है, या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंट फर्म के अंदर भी मैनेजर लगे होंगे, दो में से कोई एक बात। तो दोनों सूरतों में क्या कमा रहे होंगे? सैलरी। तो ये हो गई इनकी बतौर चार्टर्ड अकाउंट इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन अगर हम बोलें कि भाई बिलाल भाई की तो अपनी चार्टर्ड अकाउंट फर्म है, बिजनेस ही अपना है, तो अब क्या बोलें? ये क्या है, इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, पक्का? चले अच्छा भाई, अगर बिलाल भाई शाम में शौकिया गाना वगैरह गा लेते, तो किसी शादीवादी में गए और गाना गा लिया, किसी ने उनके जेब में पैसे डाल दिए, बोला ये कुछ रखो पैसे यार, अच्छा गाते हो, तो अब जरा बताइए भाई इसका क्या करें इन पैसों का? प्रोफेशनली गाया, मतलब बाकायदा ऐसा प्रोफेशन गाया नहीं, तो क्या कर, क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन नहीं, बिलाल भाई ने अब बाकायदा उन पैसों से अपना बैंड बना लिया है, बोला ये अच्छा है, सुबह की सर्विस अलग, शाम की सर्विस अलग। अब अगर बिलाल भाई पार्ट टाइम अगर अपना म्यूजिकल बैंड बना चुके हैं, तो अब ये काम वो प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहे, इंस्ट्रूमेंट्स भी इनके पास, रिकॉर्डिंग सिस्टम भी इनके पास है, ठीक है जी। तो अब अगर ये प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहे हैं ये काम, तो बिलाल भाई अब ये इनकम कहाँ आनी चाहिए? इनकम बाकायदा बिजनेस कर रहे हैं, पूरा बैंड है, रात को मोहल्ले वाले को सुनने सुने देते, ठीक है जी। तो उम्मीद है बेटा बात समझ में आ रही होगी। तो आपको एक्टिविटी के थ्रू पहचानने की जरूरत है कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। क्या ख्याल है, बोले? अच्छा जी, एक और एग्जांपल, चल एक और एग्जांपल, दोबारा डॉक्टर साहब को वापस ले आते हैं।
डॉक्टर साहब से कुछ और काम करवा लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब, वैसे तो क्या है, डॉक्टर साहब पेशेंट देखते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर साहब ने नवाज शरीफ का जो क्या कहते हैं पनामा वाला केस देखकर दिल दुखी हो गया उनका, बोला मुल्क से सरमाया जा रहा है सारा, उन्होंने क्या कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग पर एक कॉलम लिख दिया। क्या लिख दिया? वो कॉलम डॉन में चला गया, डॉन वालों को बड़ा अच्छा लगा, पब्लिक ने बड़ा पढ़ा, डॉन वालों ने इनको पजीराई करने के लिए एक चेक बनाकर भेज दी। किसको? डॉक्टर साहब को। कोई होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है जी। तो अब ये चेक कौन से हेड में जाना चाहिए? अदर सोर्स, जबरदस्त। अच्छा, डॉक्टर साहब पे आज तक कभी लिखा नहीं है, लेकिन इस बार लिख रहे हैं कोरोना के मसले पर। वो कोरोना के मसले पर इन्होंने कॉलम लिखा, पब्लिश हुआ, लोगों ने पसंद किया, डॉन वालों ने चेक बनाकर दे दिया। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्यों? क्योंकि अभी जो लिखा है वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से लिखा है, पहले जो लिखा था वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से नहीं लिखा था। क्या बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? तो उम्मीद है ये आपको चीजें क्लासिफाई करने में क्या होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। तो बेटा कौन कौन से हेड है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो थोड़ा सा क्या कर ले, अगर आप जमीन देखें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिर्फ एक चीज आती है, उसको हम बोलते हैं रेंट। रेंट किसका भी, मैं बड़ा आसान कर रहा हूं आपके लिए, आपके लिए एक बुनियादी दिमाग में क्या हो जाए, चीजें बैठ जाए, फिर चैप्टर पढ़ने पूरे पूरे। रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस ये क्या है? कुर्सी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मोबाइल फोन, प्रोजेक्टर। क्या मार्केट से अगर हम T20 का फाइनल हो तो प्रोजेक्टर हम किराए का ला सकते हैं? ला सकते हैं। एलईडी किराए की मिल जाती है? एलईडी ऐसे चीजें मिलती है, नहीं मिलती मार्केट में? शादियों पर चम्मच, क्रॉकरी, सामान, कुर्सियां, दरियां, ये सारा सामान रेंट पे मिलता है, नहीं मिलता? इसको क्या बोले, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी? तो नो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या शामिल बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट। और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग को। तो अगर आप लैंड या बिल्डिंग के क्या हैं, ऑनर हैं, और वो लैंड या बिल्डिंग आपने क्या कर दी है, रेंट पर दे दी है, तो उससे मिलने वाला रेंट कौन से हेड में जाएगा? आप आपके मिसाल के तौर पर एक मार्ट बना हुआ है या मॉल बना हुआ है, उस मॉल के बराबर में आपका प्लॉट है जिस पे अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो प्लॉट क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी? वो अब उस मॉल वाले को पार्किंग का इश्यू आ रहा है, तो उसने आपसे बात की, भाई अभी तक तो तुम्हारी कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ शुरू, तो जब तक तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का इरादा ना हो तो एक काम करो यार, ये स्पेस जो है ना मुझे दे दो रेंट पर। किसके लिए? पार्किंग के लिए। तो आपने वो ओपन प्लॉट ऑफ लैंड का कर दिया, रेंट पे दे दिया। क्या रेंट पे दिया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये रेंट कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। याद रहेगा भाई, आपके पास दुकान है, मकान है, वो अगर आप रेंट पे दें, वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसका बतौर ऑनर जो आप रेंट रिसीव करेंगे, सर आप ऑनर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, तो अगर हम ऑनर ना हो तो फिर क्या होगा? फिर पढ़ेंगे, लॉ आगे बताएगा आपको, खुद ब खुद बता देता हूं अभी। अगर आप ऑनर नहीं है, रेंट पे लेके रेंट पे दे रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये बताएंगे आपको आगे चल के, ठीक है ना? तो ये सारी बात है। तो क्या बोला मैंने बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या आएगा? रेंट आएगा। किसका? इमोवेबल प्रॉपर्टी का, बतौर ऑनर, ऑनर की हैसियत। ये तीन बातें इस हेड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेंट, किसका, इमोवेबल प्रॉपर्टी का, बहैसियत। बस ये उम्मीद है अगर आप ये तीन बातें याद रखेंगे, ये टॉपिक निकल पड़ेगा आगे खुद ब खुद। इनकम फ्रॉम बिजनेस तीन किस्म के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और सर्विसेज। वकील की सर्विस, म्यूजिकल बैंड की सर्विस, बोले ना भाई, डॉक्टर की सर्विस। तो ये सारी सर्विसेज अगर चल रही हैं तो कहाँ जाएंगी बेटा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अगर ये सर्विसेज इंडिपेंडेंटली आपने यानी अपने इंफरादी तौर पर प्रोवाइड की जा रही हैं, तो फिर इस पे थोड़ी बहुत हमने बात करी थी पिछली क्लासेस के अंदर, अगर आपको याद हो। उसके बाद कैपिटल गेन,
तो कैपिटल गेन क्या है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। मैं अभी क्योंकि चैप्टर पढ़ने में आपको खाली आइडिया दे रहा हूँ। कैपिटल अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं अपने पास, कैपिटल एसेट पर होने वाला गेन। दोहराए दोहरा दोहराए, कैपिटल एसेट पर होने वाला गेन क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन कहलाएगा। बस इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इस हेड को समझना है तो मुझे क्या समझना है, व्हाट इज कैपिटल एसेट। जिस दिन मुझे पता लग गया कैपिटल एसेट क्या है, उस दिन उसका गेन मैं कौन से हेड में ले जाऊंगा? कैपिटल एसेट पे होने वाला गेन क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन कहलाएगा। कैपिटल एसेट पे होने वाला गेन क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन कहलाएगा। याद रहेगा बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ, इस हेड को समझने के लिए क्या समझना जरूरी है? कैपिटल एसेट किसे कहते हैं? कैपिटल एसेट। सवाल आया, अगर रेंट मूवेबल प्रॉपर्टी का हो तो बेटा क्या कहां जाएगा? मिसाल के तौर पर सलमान बेटा, भाई आपको पता नहीं आपके दौर में ऐसा होता नहीं होता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक जमाने में साइकिल किराए पे मिलती थी, आपने साइकिल ली, पता नहीं कुछ अमाउंट देकर 1 घंटे के लिए आपने किराए पे ले ली, ऐसा ही है ना साइकिल। तो साइकिल क्या बताइए, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो साइकिल जिसने किराए पे दी उसके लिए वो इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, आपका डेकोरेशन का बिजनेस है और ये सारा सामान आप रेंट पर देते हैं, आप रेंट है कार का बिजनेस करते हैं। गेम वाली सीरीज भी आ गई, गेम वाली सीरीज बेटा, फिल्म वाली सीरीज, और क्या कहते हैं अपना वो वीडियो कैसेट। एक जमाने में गली मोहल्लों के अंदर क्या बने हुए थे? वीडियो सेंटर्स, कैसेट वीसीआर चला करते थे। तो वो लोग जो नई फिल्म आती थी वो 10 रुपए किराए देकर 10 रुपए में पूरी फैमिली बैठ के देख लेती है ना ये। तो 10 रुपए जो रेंट है वो रेंट किसका है? किसका? कैसेट का। वो कैसेट क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो भी क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो कौन से हेड में गया? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये सारी बात हमने करनी है अभी, तो आपका समझ लेंगे माइंडसेट डेवलप हो रहा है इस हवाले से। जी, वो मूवेबल है ना, वो इंस्टॉल होता है, निकल जाता है, बेच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही होती है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। उसके अलावा सब चीजें क्या है, मूवेबल है। ये क्या है, इफेक्ट हुआ हुआ है एसी, बताइए मूवेबल है? मूवेबल निकाल सकते हैं, यहां से निकाल के वहां लगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, मूवेबल मानेंगे, इमूवेबल मानेंगे? मूवेबल मानेंगे। जी बेटा, नॉर्मल इनकम, हलाल तरीके से पैसा कमाना, मतलब ट्रेड करके, सर्विसेज देकर, मैन्युफैक्चर करके। स्पेकुलेशन मींस चीज कोई नहीं है, सिर्फ आप पैसों पे क्या कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। उसकी एग्जांपल मैंने दी थी पिछली क्लासेस, तो रिकॉर्डिंग अगर आप सुनो पिछली वाली तो उसमें मिल जाए। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एग्जांपल मैं आमतौर पर यहां देता नहीं हूँ, बात निकल पड़ी तो मैंने एग्जाम्पल दी। लेकिन वक्त, चैप्टर नंबर 15 आएगा हमारे पास, उसके अंदर इसकी एग्जाम्पल बहुत तफसील से आएगी। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी, क्या जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस की फ्लक्चुएशन पे क्या खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। मैंने कहा था अगर तुम्हारे पास 10 आटे की, मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया 10 आटे की बोरियां खरीदने के लिए, हमारा रेट तय हुआ हर बोरी का 1,000 रुपए, ठीक है। अब मसला है कि ना तुम्हारी आटा बेचने की नीयत है बोरियां, ना मेरी बोरियां, बस हमने एक कॉन्ट्रैक्ट तय कर लिया कि हाँ भाई प्राइस क्या होगी, 1,000 रुपए, कितनी बोरियां, 10 बोरी। ना तुम्हारे पास वो बोरियां पड़ी हुई हैं, ना मैंने वो परचेज करनी है। अब टाइम आ गया कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का। अब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, अगर उसको एक्चुअल डिलीवरी के थ्रू परफॉर्म किया, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मार्केट से 1,200 रुपए की बोरी खरीदनी होगी, और मुझे कितने की बेचनी होगी, तुम्हें कितना नुकसान होगा। तो आप मुझे बोलोगे सर एक काम करें, अगर आप वाकई बोरियां खरीदना चाहते हैं तो मार्केट से खरीद लें, आप मुझे कितने पैसे देंगे? 1,000 रुपये, 200 मैं आपको ऊपर देता हूं, मिला के 1,200 की खरीद लें। तो अब इस केस में आपकी जेब से कितने पैसे गए बगैर बोरी दिए? 200 रुपये पर बोरी, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, क्या बनेगा? 2,000। तो आपको इस केस में 2,000 का क्या हुआ, स्पेकुलेशन लॉस हुआ, मुझे 2,000 का क्या हो गया, स्पेकुलेशन गेन हो गया, ठीक है ना। कंक्लूड
कमीशन 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 या तो इनकम फॉर्म बिजनेस में जाता है बेटा, या कमीशन जाता है इनकम फॉर्म अदर सोर्स में। स्टेट एजेंट का कमीशन इनकम फॉर्म बिजनेस में जाएगा, तो फिर कमीशन थोड़ी है, फिर वो स्टेट एजेंट का थोड़ी है। अच्छा सवाल, अच्छा है। मतलब देखो बात सारी नियतों की है, ये वक्त के साथ साथ चीजें हैं, लेकिन अगर आपने सवाल के लिए बता देते, कोई इन्वेंट्री, मैंने आपको अकाउंटिंग पढ़ाते वक्त भी समझाया था, घर आपका अपना है पर्सनल एसेट बोलेंगे, घर अगर बिजनेस के इस्तेमाल, मतलब घर बोल रहा हूँ बिल्डिंग, बिल्डिंग अगर बिजनेस के इस्तेमाल में है तो वो क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है, बिजनेस का एसेट, फिर वो पर्सनल एसेट नहीं है। और अगर आप डेवलपर हो, बिल्डर हो, तो आपने किस नियत से बनाया है, तो फिर वो इन्वेंट्री। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वेंट्री भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस का एसेट भी हो सकता है, और इमोल प्रॉपर्टी पर्सनल एसेट भी हो सकता है। और अगर मेंशन है कहां पर, हाँ उसी हिस्से में, लेकिन 38 में उसके अलावा कहीं और, तो उसको कैपिटल एसेट भी मानना पड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, चीज एक ही है, वो कहां फॉल करेगी ये कौन बताएगा आपको, सिचुएशन, बैक पे नियत। तो अगर आप मलिक रियाज हो तो बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी बना बनाकर बेचकर आप जो इनकम कमा रहे हो वो कौन से एड में जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। यही पूछना चाह रहे थे ना बेटा। तो आपकी किस हैसियत से प्रॉपर्टी रखी हुई आपने, इन्वेंट्री की हैसियत, भाई आपने दुकान खोली हुई है किसकी, एसी की, तो एसी की हैसियत रखा हुआ है, तो इन्वेंट्री। तो स्टेट एजेंट के पास बैक पे क्या है, प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी उसके लिए इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री बेच के जो गेन होगा वो कौन से हेड में जाएगा, इनकम फॉर्म बिजनेस। अरे भाई बहुत आगे निकल जाएंगे हम लोग, नहीं बेटा ऑन स्पेकुलेशन नहीं है, ऑन कैपिटल गेन। जी बेटा कैपिटल गेन कहलाएगा, बता बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अपने वक्त पर, अगर सब कुछ आज ही सीख लेना तो खत्म करते हैं, खत्म हो गया पूरा टैक्स, खत्म हो गया, यकीन करो आज इतनी एग्जाम्पल कवर हो गई। अब भैया कि मिक्स ना हो जाए, तो एग्जाम्पल को इतना महदूद रखे कि आहिस्ता आहिस्ता दिमाग बनता रहे, मैं आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल में इजाफा करता रहता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल बढ़ जाएंगे फिर केस मिक्स कर दोगे। तो मतलब एक ही चीज है, अगर वो आप बेचे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, मैं बेचू तो कैपिटल गेन। क्यों, आप बतौर बिल्डर क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वो आपके लिए इन्वेंट्री, मैं अपना जाती घर बेच रहा हूं, मेरे लिए पर्सनल एसेट, और लॉ ने अगर उसको कहां मेंशन कर दिया, ठीक है जी, कैपिटल गेन वाले हिस्से में, तो फिर उसको बेचकर जो गेन होगा वो कैपिटल गेन बन जाएगा। इसका मतलब बैक पे किस चीज का फर्क है, नियत का फर्क। बेटा यहां तक कोई मसला हो तो बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सारा डिस्कशन हमारा दोबारा रिपीट हो गया। कौन सी, कितनी इनकम, कितनी क्या पढ़ा हमने, इनकम पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, अब टोटल इनकम के बाद हम अगली अगला आइटम पढ़ने जा रहे हैं, और वो अगला आइटम क्या है, टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग अलाउंसेस, अब सीरीज के हम आगे बहुत पढ़ेंगे, अभी सिर्फ चार अलाउंस के नाम लिख रहा हूं। नंबर वन, ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ठीक है जी, उसके बाद
वर्कर्स प्रॉफिट, प्रीवियसली मैं यहाँ पे डोनेशन भी लिखा करता था लेकिन अभी मैं डोनेशन लिख नहीं रहा हूँ, उसकी वजह आपके सामने आएगी। वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, इसको बोलते हैं WPPF। नंबर थ्री वर्कर्स वेलफेयर फंड, इसको हम बोलेंगे WWF। ठीक है जी। नंबर फोर प्रॉफिट ऑन डेट, ऑन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। ठीक है जी। क्या लिखा बेटा? टोटल इनकम रिड्यूस बाय फॉलोइंग अलाउंसेस। क्या कहलाई बेटा? अगर टोटल इनकम पीछे आई थी ना, टोटल इनकम क्या थी? इन पांच हेड्स का सम थी। जवाब दे बेटा। तो अब जरा इस बात को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है जी। यहां लिखते हैं मिस्टर बिलाल। ठीक है बेटा, मिस्टर बिलाल क्या निकाल रहे हैं? मिस्टर बिलाल की जरा हेडिंग देखिएगा, क्या निकाल रहे हैं? लेकिन टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए पहले क्या निकालना आनी चाहिए? टोटल इनकम को रिड्यूस करें। तो मिस्टर बिलाल लिखना शुरू कर देंगे। मिस्टर बिलाल क्या लिख रहे हैं हम? टैक्सेबल इनकम। मिस्टर बिलाल टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी। सबसे पहले हम लिखेंगे, बिलाल से पूछेंगे, भाई क्या बिलाल साहब आप कहीं पर कोई जॉब करते हैं? तो हम बोलेंगे क्या आपकी कोई इनकम फ्रॉम सैलरी है? तो यस बिलाल बोलेगा, सर बिल्कुल सर मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी। हाँ बिलाल बेटा, पर मंथ क्या सैलरी है आपकी? बिलाल मुस्कुरा गए, 4 लाख रुपए। कोई मसला नहीं, हंस रहे हो? 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, सम कितना हुआ बेटा? बिलाल को सम ही नहीं पता। 4,800,000, 48 लाख रुपए। तो बिलाल ने 48 लाख तो कमा लिए सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी से। अच्छा जी, आगे बिलाल इतने पैसे हैं तो प्रॉपर्टी तो बनाई होगी, मकान दुकान तो लिया होगा। बिलाल ने बोला, सर बिल्कुल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हम बोलेंगे, बिलाल जरा बताओ, जो प्रॉपर्टी तुमने ऑटोबान रोड पर रेंट पे दी हुई है, उसका तुम रेंट क्या चार्ज करते हो पर मंथ? अभी एक प्रॉपर्टी ऑटोबान रोड पे, सही है, ओके, कोई मसला नहीं। अभी एक प्रॉपर्टी ऑटोबान रोड पे रेंट पे गई है बेटा। ये जो अगर आपको बताओ, एक बिल्डिंग थी बारबेक्यू नाइट वाली, अभी वो मेरे ख्याल से काफी अच्छे से बारबेक्यू नाइट वाला बंद पड़ा था ना, वो बिल्डिंग अभी रेंट पे गई है। पता है पर मंथ कितना रेंट मिलेगा उसको? 12 लाख रुपए एक महीने का। बिलाल, बिलाल बोलो बोलो, बिलाल आजा। बिलाल, वो जो बारबेक्यू नाइट के बराबर में एक रेस्टोरेंट खुला है ना, वो बिलाल का है, मतलब वो बिलाल ने रेंट पे दिया हुआ। कितने का? 3 लाख का। चलो वो 3 लाख भी कम थोड़ी है यार, मतलब 3 लाख रुपए पर रेंट। ये मुझे तो यहाँ पे बहुत सारी बातों का पता है। ये करीम का ऑफिस खुला था यहाँ, ये जो जिम है जिम के नीचे, जहाँ पे लीड्स कॉलेज पहले हुआ करता था, उसी बिल्डिंग में अंडरग्राउंड और ऊपर। लीड्स वाला तो इस बिल्डिंग का रेंट देता था 80,000 रुपए अंडरग्राउंड का, उसका लीड्स वाले ने खाली किया, वो साइड पर आ गया इधर, गली के अंदर प्लाजा में
लेकिन उसके बाद ये प्रॉपर्टी गई करीम के पास, और करीम ने प्रॉपर्टी 4 लाख रुपए रेंट पे ली, 80,000 से सीधा। ये है ऑटोबान रोड की हालत बेटा, क्या मसला है? 3 लाख तो कोई बड़ी बात ही नहीं है यार, मतलब। तो भाई 3 लाख रुपए पर मंथ, तो अब तक ये प्रॉपर्टी रेंट पे दिए हुए कितना वक्त हुआ है? नहीं बेटा 6 महीने। हमारी मर्जी, हमारा क्वेश्चन। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 कितना बेटा? 18 लाख को मैं एक अलग कॉलम में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं 18 लाख से इसके क्या लेस करूंगा? एक्सपेंसेस। अगर लॉ ने मुझे क्या किया, अलाउ किया, तो क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? लेस। बल्कि इसको एक काम करें, इसको आप थोड़ा सा क्या करें, चेंज कर, थोड़ा सा चेंज कर। इसके लिए मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपके लिए, तो वो टर्म आगे आएगी, लेकिन जब अभी पढ़ रहे हैं जरा, तो जरा बातें याद भी रखें ना साथ साथ। इसको ऐसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, जहां मैंने लिखा ग्रॉस चार्जेबल रेंट, क्या लिखा, क्या लिखा बेटा? ग्रॉस चार्जेबल रेंट, क्या लिखा? कितना ग्रॉस रेंट है? 3 लाख। 3 लाख को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 6 से। जवाब दो ना बेटा। अच्छा कितना बना बेटा, जरा बताइएगा सब लोग? 18 लाख। अब हमने बोला लेस अलाउबल कौन सा एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस? अलाउबल एक्सपेंस। अभी हमें नहीं पता वो अलाउबल एक्सपेंस कौन से, हम एक वैल्यू खुद से अज्यूम कर लेते हैं। मान लें कि वो अलाउबल एक्सपेंस जो है 6 लाख रुपए के, तो ये इनकम नेट होकर बेटा टोटल इनकम में ऐड हुई। ये इनकम नेट होकर टोटल इनकम में ऐड हुई कितने अमाउंट पर बेटा? 12 लाख। अगला पार्ट बेटा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। हाँ भाई बिलाल बेटा, एक कॉन्सर्ट का कितना पैसा लेते हो? साल भर में ऐसे कितने कॉन्सर्ट परफॉर्म कर लिए? 15-16। चलो 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 15-16, 8 कर लेते हैं, 8 मुनासिब। कितना बेटा? 2 मिलियन। अब इन कॉन्सर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें ट्रेवल करना पड़ा होगा, लोग हायर किए होंगे, असिस्टेंट रखे होंगे, वगैरह वगैरह, इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन। अभी उतनी तफसील में नहीं आती, लेकिन एक आइडिया बता रहा हूं आपको। तो क्या करोगे आप इसके अगेंस्ट, क्या क्लेम करोगे? एक्सपेंसेस। लिखा था ना इनकम फॉर्म बिजनेस भी नेट पे टैक्स होती है, तो लेस क्या किया हम? लेस क्या किया बेटा? अलाउबल एक्सपेंस नहीं बोलना, अलाउबल एक्सपेंसेस, वो हम दिखा देते हैं 12 लाख। ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ाने से इनकम घट जाती है, टैक्स कम पे करना पड़े। बिलाल क्या ख्याल है? आप चाहो तो हम लॉस दिखा सकते हैं। बोला कॉन्सर्ट परफॉर्म करने के लिए 20 लाख तो मेरी जेब में, 28 लाख मेरी जेब से लग गए हैं, तो उल्टा क्या हो गया मुझे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस हो गया। हो सकता है लॉस? आवाज नहीं आ रही बेटा, तो लॉस ऑफ इनकम भी इनकम है ना, ऐड कर देंगे इनकम में, तो नेगेटिव क्या करेगी इनकम? बाकी इनकम को कम कर देगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? चलें ये ओके। तो अभी तो इनकम पॉजिटिव रख दी हमने, कितनी बेटा? 8 लाख। कितने ऐड हो गए बेटा? इनकम फॉर्म सैलरी 48 लाख, इनकम फॉर्म प्रॉपर्टी 12 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस 8 लाख। हाँ भाई शेयर वगैरह हैं, शेयर शेयर बर्कशायर के शेयर? नहीं बेटा नीचे आ जाओ जरा। ठीक है, हाँ भाई। उसके बाद क्या कहते हैं, कैपिटल गेन।
पेंटिंग वाले एग्जाम्पल यहाँ रख देते हैं, पर्सनैलिटी बेचा, क्या बेचा भाई, पेंटिंग बेची, ये एग्जाम्पल। प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेंटिंग। हाँ भाई, पेंटिंग को बताया ना मैंने भी आपको, लॉ ने क्या बोला हुआ है, कैपिटल एसेट बोला हुआ है, तो उसको बेच के जो गेन होगा वो कैपिटल गेन होगा। ये बात हमारी हुई कि नहीं हुई, आगे पढ़ना भी है। तो पेंटिंग बेच के कितने मिले भाई, किसी को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दिख गया, 2 लाख रुपए दिख गया, मिल गए। बिलाल तुमने ये पेंटिंग ठेले से कितने की खरीदी थी? बोला सर 2000 रुपए की। आवाज नहीं है बैठी, तो क्या बोलेंगे आप, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी, 2000 रुपए। तो ये पेंटिंग बेचकर जो गेन था वो कौन सी रिसिट थी, कैपिटल रिसिट, लेकिन लॉ ने इसको डीम इनकम माना, तो इसको इनकम के तौर पे हमें टोटल इनकम में क्या करना पड़ा, शामिल करना पड़ा। कितना अमाउंट हो गया बेटा, 198,000। ठीक है जी। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है जी। क्या बेटा, इनकम फ्रॉम, जो इनकम डिफाइन ना हो पाए वो कहां जाएगी, साइड में, इसके अलावा भी जो इनकम है वो यहाँ आएगी। डिविडेंड बताया था मैंने आपको, इंटरेस्ट इनकम बताया था आपको। तो मान लेते हैं 1 लाख रुपए की आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या हर शख्स के पास 5 हेड होना जरूरी है? तो अगर किसी के पास सिर्फ सैलरी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो इन दोनों का सम कर देगा। मतलब जरूरी है हर शख्स के पास 5 हेड हो, इन 5 हेड में जितना अमाउंट फॉल करता है उसका सम करके जो आंसर आएगा वो क्या बोलेंगे उसको, टोटल इनकम। इसका मतलब यहां जो आंसर आ रहा है बताएं कितना आ रहा है, 48 लाख और 12 लाख तो हो गए 60 लाख रुपए। उसके बाद 6,800,900,000, 7 मिलियन, 7 मिलियन 98,000। तो बिलाल ने इस पूरे एक साल में कितनी टोटल इनकम जनरेट की? हाँ भाई, तो क्या बिलाल को 7,98,000 पे टैक्स देना है? नो सर। अगर अगर बिलाल ने भाई इतना कमाते हो, जकात तो देते होगे, जकात दी, जकात दिए तो लेस करवा दो जकात। अच्छा, अब तो जो दरकार है जकात किसको दिए, इंपॉर्टेंट है। लॉ कहता है बोला वो जकात वो लेस करो जो फॉल करती है अंडर जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस। सर ये क्या है, जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस? तो मैंने आपको बताया था आइन के अंदर तरमीम हुई थी जियाउलक के दौर में, उसके अंदर एक सिस्टम लाया गया था, निजाम जकात और निजाम सलात। जियाउलक का दौर पता होगा आपको, नहीं पता तो किताबों के अंदर ही मौजूद है। तो बताने का मतलब क्या है, जियाउलक के दौर के अंदर एक निजाम जकात नाफिज हुआ था। कहा जाता है भाई जितने भी सूदी खाते हैं, सूदी खाते मतलब सेविंग अकाउंट जिसपे इंटरेस्ट लगता है, उन पर यकम रमजान को जकात की क्या हो जाएगी, कटौती। यानी आपके सेविंग अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा हुआ है उस बैलेंस पर 2.5% क्या हो जाएगा, जकात कट जाएगी। आवाज नहीं है बेटा, तो जो जकात कटी है कहां से, सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट पे नहीं कटती, किस पे कटती है? तो अगर किसी की जकात कट रही हो ना बैंक में, तो इसका मतलब समझ जाना कौन सा वाला अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। तो जो सूदी खाते हैं, जो इंटरेस्ट बेस अकाउंट है, जो नहीं सेविंग अकाउंट है, क्योंकि जकात है किस पर, सेविंग पर, जो सेविंग अकाउंट है उन पर क्या कटती है साल में जकात, कब कटती है, फर्स्ट रमजान। वो जो जकात कटकर किसकी जेब में गई है, हुकूमत की। आवाज ही नहीं आ रही बेटा, उसको हम बोलेंगे जकात अंडर जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस। वो जकात जो आपने अपनी मर्जी से पे की है, किसको, कहीं जानने वाले को, किसी ऐसे चलते फिरते को, वो जकात जकात उशर ऑर्डिनेंस नहीं है। तो मान ले बिलाल ने 5 लाख रुपए जकात दी, 5 लाख में से 198,000 या 298,000 की जकात कहां कटी है, बैंक में,
और बाकी जगह तो उसने खुद बांटी है। तो बताइए हम 2,02,000 प्लस 2,98,000 यानी कि पूरे 5 लाख को यहां पर अलाउंस के तौर पे क्लेम करें, आवाज नहीं है बेटा, या फिर हम सिर्फ उसी जकात को अलाउंस के तौर पे क्लेम करें जो फॉल करती है अंडर जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस। वो कितनी बताई मैंने, बताइए 2,98,000। वो जो 2,02,000 दी रिश्तेदारों को या जानने वालों को या ऐसे ही मांगने वालों को, क्या वो जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस में फॉल करेगी? नहीं करेगी। तो उसको लेस, तो जकात सिर्फ कौन सी में लेस करेंगे? जकात अंडर जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो वो कितनी बताई मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपके तौर आपके सामने 298,000। तो अब जो बैलेंस आया, अब जो क्या आया बेटा, बैलेंस आया ये क्या चल रहा है बेटा, अभी बाद में पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब जो बैलेंस आया उस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? टैक्सेबल इनकम। क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम। यानी आपको अपनी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देना है। आवाज नहीं आ रही बेटा, जवाब दें कितना? 6,800,000। तो बिलाल को कितनी इनकम पे टैक्स देना है? तो टैक्स रेट लगेगा तो किस पे लगेगा? अब टैक्स रेट भी हमें मालूम नहीं है, ये मालूम होगा तो हम लगाना भी सीख जाएंगे, लेकिन ये पता लग गया कि टैक्स रेट किस पे लगना चाहिए, टोटल इनकम पर या टैक्सेबल इनकम पर। अब एक सवाल, क्या टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम के बराबर हो सकती है? क्या टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम के बराबर हो सकती है? हाँ सर, एक सूरत, अगर कोई अलाउंस क्लेम करने के लिए अवेलेबल ना हो, अगर इसने कोई जकात ना पे की होती किसको? हुकूमत को अंडर जकात एंड, तो क्या हम जकात को यहां से लेस कर पाते? नहीं कर पाते। तो उस सूरत में क्या होता बेटा? टोटल इनकम ही क्या कहलाती? टैक्सेबल इनकम। तो उसको हम लिखते टोटल टैक्सेबल इनकम। क्या लिखते? कि यही टोटल इनकम भी है, यही टैक्सेबल इनकम भी है, लेकिन लॉ टोटल इनकम में और टैक्सेबल इनकम में फर्क कर रहा है, और वो फर्क करने वाली चीज का नाम क्या है? अलाउंसेस। क्या नाम है बेटा? अगर अलाउंसेस हैं तो फर्क होगा, और अगर अलाउंसेस नहीं होंगे तो फर्क नहीं हो पाएगा। तो टैक्स किस पे देना है? टोटल इनकम पर, टैक्सेबल इनकम पर। अभी मैंने इसमें एग्जेम्प्ट इनकम का तस्करा छेड़ा नहीं है। तो इस क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में वक्त के साथ साथ क्या आती रहेगी सारी चीजें, अगर एक साथ आज रख देंगे तो आपके लिए चीजें क्या बन जाएंगी? कॉम्प्लिकेटेड। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों का क्या होता रहेगा? इजाफा। लेकिन मैंने आपको 5 हेड समझा दी सर, अब ये भी समझा दे जो आप नाम लिखे हुए यहां पर। तो नाम क्या लिखे थे मैंने ऊपर? जकात कौन सी लेस करनी है? अच्छा, अब ये केस किसको फेस करना पड़ेगा? लेस करें, क्या लेस करें? वर्कर्स। सर ये क्या है? ये हमारा एक इंडस्ट्रियल लॉ है जो ये कहता है कि वो बिजनेसेस जो के इंडस्ट्रीज हैं, क्या है, जहां पर क्या हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, वो अपने लेबर को अपने प्रॉफिट का 5-5% क्या करेंगे? शेयर करें अंडर द लॉ। तो आप जो अपने लेबर को अपने प्रॉफिट का 5% शेयर करेंगे उसको किस नाम से पुकारते हैं? वर्कर्स। तो आपको इस बात की परमिशन है फिर कि आप अपनी टोटल इनकम में से जो आपने WWPPF क्या किया है, पे किया है, उसको लेस कर लें, उसको लेस कर लें बतौर अलाउंस, और उसके बाद जो इनकम आया उसको क्या माने? अपनी टैक्सेबल इनकम। दूसरा केस क्या है? वर्कर्स वेलफेयर फंड। ये भी इंडस्ट्रियल केस ही है कि वो बिजनेस जिन पे WPPF अप्लाई होता है उन्हीं पर क्या अप्लाई होता है? WWF। ये क्या कहता है? ये कहता है जनाब कि आपको अपने लेबर पर अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना है उनके वेलफेयर पर, उनको हॉस्पिटल बनवा के देने हैं, डिस्पेंसरी बनवा के देनी है, उनके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज का इंतजाम करना है। यानी वो पैसा डायरेक्टली नहीं पहुंचाना आपने उन तक, बल्कि कैसे पहुंचाना है? इनडायरेक्टली। तो वो 2% जो आपने अपने प्रॉफिट का खर्च किया किस पर? अपने लेबर पर। वो भी लेस होगा आपकी इनकम फॉर्म बिजनेस से, टोटल इनकम से।
अलाउंसेस किसी हेड के अगेंस्ट नहीं है, अलाउंसेस हेड का टोटल होने के बाद है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक फर्क देखने को मिलेगा एक्सपेंसेस में और अलाउंस में। एक्सपेंस जिस हेड से बिलोंग करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किससे बिलोंग करेगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस से। आवाज नहीं आई तो वो कहां से लेस होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस से। अब जो नेट इनकम आएगी वो जाएगी आपकी टोटल इनकम में। अलाउंसेस कब लेस होते हैं? इनकम का सम करने के बाद। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो ये तवज्जो से इन बातों को हमें ज़हन में रखने की जरूरत। और उसके बाद लास्ट वन क्या है? WPPF क्या है? वर्कर्स प्रॉफिट। वो बिजनेसेस जिन पे इंडस्ट्रियल लॉ, दोहराइए, वो बिजनेसेस जिन पर इंडस्ट्रियल लॉ क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं, उनको अपने प्रॉफिट का 5% शेयर करना होता है। किससे? लेबर से। क्या आपने जो साल भर में प्रॉफिट कमाया उसका 5% बांटे? किसको बांटे? आवाज नहीं है बेटा। तो वो फिर आप क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट बतौर एक्सपेंस या टोटल इनकम के अगेंस्ट, क्योंकि अलाउंस है। ये वक्त के साथ आगे भी आते रहेंगी चीजें। इसके बाद क्या है? डब्ल्यू, आपने अपने प्रॉफिट्स का खर्च करना है। किस पर? लेबर के वेलफेयर पर। उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं बतौर अलाउंस। और उसके बाद लास्ट वन, कर्जा। आवाज नहीं। डेट मतलब कर्जा। डेट मतलब डेट पर प्रॉफिट कौन कमा रहा है? IMF। क्या बोलेंगे उसको? प्रॉफिट ऑन डेट मतलब इंटरेस्ट। IMF ने कमाया, उसकी इनकम, हम पे करेंगे हमारा एक्सपेंस। तो प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। आवाज नहीं है बेटा। तो जो कमा रहा है उसकी, जो पे कर रहा है उसका एक्सपेंस। तो ये बात हो रही है पे करने के लिहाज से। हाउसिंग फाइनेंस स्कीम, अगर आपने घर बनाने के लिए, इमरान खान लोन मिल रहे हैं अभी, पता होगा आपको बैंक से क्या मिल रहे हैं? लोन मिल रहे हैं। क्या करने के लिए? घर खरीदने के लिए और घर। तो अगर आपने हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के जरिए क्या लिया है? लोन लिया है। तो वो लोन लेके घर तो बना लिया आपने, घर तो खरीद लिया आपने, आप पर कर्जा चढ़ गया, उस कर्जे पे आपको सूद देना है, वो प्रॉफिट ऑन डेट है। उस प्रॉफिट ऑन डेट को आप क्लेम कर सकते हैं बतौर अलाउंस। किसके अगेंस्ट? अपनी टोटल इनकम के अगेंस्ट, टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। जुमला समझे? किस पे आने के लिए? इनकी और भी फहरिस्त है लेकिन इनको दोबारा, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल इनकम 5 हेड्स का सम होने के बाद रिड्यूस हो सकती है। किससे? बाय फॉलोइंग अलाउंसेस। जकात अंडर जकात एनोशर ऑर्डिनेंस, वर्कर्स प्रॉफिट, वर्कर्स प्रॉफिट ऑन डेट ऑन। तो क्या करें बेटा जरा इसको, ये आप अगर आपने नहीं लिखा तो जरा इसको लिख लें। आप लिख लिया सब लोगों ने बेटा? देख लें कोई बात इसमें कोई रहती हो। हमें किताब चाहिए होगी, किताब का नाम नोट कर लें, टैक्स प्रैक्टिसेस, CAF 2 CAF 6 नाम नहीं है इसका। ये किताब हमें लानी है बेटा, टैक्स प्रैक्टिसेस। देखा बेटा, CAF 2 टैक्स बाय सर खालिद पेटी वाला। नहीं, पेटी वाला ठीक है। सवाल क्या है ये भाई? अगर आपके पास सारे केसेस फॉल करते हैं, जरूरी नहीं हर बंदे के पास हर किस्म की इनकम होगी, फिर तो इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं हर बंदे के पास हर किस्म का क्या हो? अलाउंस। अगर आपने जकात भी दी है और आपने WPPF भी दिया है, WWF भी दिया है, प्रॉफिट ऑन, सब लेस करो। मतलब इसका मतलब ये हो ना, अगर आपके पास चारों केसेस हैं तो आप चारों केसेस कंसिडर करो, अगर आपके पास चारों केसेस नहीं है तो कोई इशू नहीं। बताइए है कोई इशू? बोलिए क्या बोले, क्या समझाऊं?
प्रॉफिट राइट मतलब आसान लफ्जों में आपको क्या बनाना है, घर। बिलाल भाई को क्या बनाना है, घर बनाना है। घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, अभी पैसे नहीं है, क्या ऑप्शन है, लोन लिया। लोन मुफ्त में मिलेगा बेटा, यार उसको बोलने दो प्लीज, बोले ना बेटा लोन मुफ्त में नहीं मिलेगा, फिर कैसे मिलेगा। हाँ कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ। वो जो इंटरेस्ट आप साल भर का क्या करेंगे उस लोन पर पे करेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट।